नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज फ्लूइड ड्रिफ्ट, इट इज फ्लूइड ड्रिफ्ट परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू एंड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास दो फ्लूइड इक्वेशंस हैं। अब कौन कौन से फ्लूइड इक्वेशंस? वी हैव टू फ्लूइड इक्वेशंस, टू फ्लूइड इक्वेशंस। अब ये जो दोनों फ्लूइड इक्वेशंस हैं उसमें पहली फ्लूइड इक्वेशन जो है हमारी, वो फ्लूइड इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हम बोल सकते हैं इट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, दिस इज रिटन एज डेल रो बाय डेल टी, डेल रो बाय डेल टी प्लस ग्रेडियंट ऑफ रो वी इज इक्वल्स टू जीरो। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारी जो दूसरी इक्वेशन है, ऑलरेडी हमारी वेल नोन है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको कई बार मोमेंटम इक्वेशन या फोर्स इक्वेशन भी बोलते हैं, वो इक्वेशन है हमारी रो डेल वी बाई डेल टी प्लस। अब ये जो वी हम लोगों ने यहाँ लिखा है, हम लोग जनरली इस वी को यू के फॉर्म में भी लिखते हैं, हम लोगों ने अभी तक जितना भी किया है वो यू के फॉर्म में लिखा है इस पूरे को। डेल वी बाई डेल टी प्लस रो वी ग्रेड मल्टीप्लाइड बाई वी इज इक्वल्स टू एन क्यू एंड ब्रैकेट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी क्रॉस बी माइनस ऑफ ग्रेड पी, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर आगे, अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो रो है, रो इज डेंसिटी। अब हम इसको मास डेंसिटी के अगर फॉर्म में लिखें तो उसको, मास डेंसिटी को नंबर डेंसिटी के फॉर्म में लिखें तो राइटिंग द मास डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ, मास डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाई एम, एन एम एन एन जहाँ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया एंड एम इज मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एम जो हो गया, एम इज मास ऑफ ईच पार्टिकल, मास ऑफ ईच पार्टिकल आ गया। तो जो अबव इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर वन और टू, सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू। तो हमारे पास अगर मैं एन मल्टीप्लाइड बाई एम सब्सटीट्यूट करूँगा इस रो में, तो जब सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ पर हमारे पास एम जो मास है वो कांस्टेंट है, तो एम बाहर आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन बचेगा। यहाँ पर भी सब्सटीट्यूट करूँगा तो एम बाहर आ जाएगा, एम एम राइट हैंड साइड में कॉमन निकाल के ज़ीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन बचेगी डेल एन बाई डेल टी, इक्वेशन नंबर वन जो है वो बचेगा डेल एन बाई डेल टी प्लस यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाई वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड होगी हमारी। और जो सेकेंड इक्वेशन है, अगेन यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो ये जो हो गया एम इंटू एन, यहाँ पर रो दोनों में कॉमन आ गया, तो ये जो हो गया एम एन ब्रैकेट ऑन डेल वी बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी जो कि हम लोगों ने अभी तक यू के फॉर्म में लिखा है वी को, प्लस वी ग्रेट ऑफ वी इज इक्वल्स टू एन क्यू, एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड क्यू इज हमारा जो भी चार्ज है, विद इन ब्रैकेट ई प्लस वी क्रॉस बी इन साथ में माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पी। दैट इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। ये आ गई। अब प्लाज्मा जो है, बेसिकली बोलते हैं प्लाज्मा
इज कंपोज्ड ऑफ टू स्पीशीज, और जो टू स्पीशीज जो है वो दोनों की दोनों कौन कौन सी होगी, एक होगी इलेक्ट्रॉन एंड दूसरी होगी आयन, तो इट इज फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयन, तो हम बोल सकते हैं प्लाज्मा इज अ फ्लूइड हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स। तो अब यहाँ तक आ गया दो इक्वेशन। अब नॉर्मल केस में हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग फ्लूइड ड्रिफ्ट देख रहे हैं प्लाज्मा की परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू, तो हम लोगों ने पहला केस उठाया कि फ्लूइड ड्रिफ्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक प्लाज्मा अज्यूम किया। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो फ्लो हो रहा है इस शेप में फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अज्यूम किया इस डायरेक्शन में है, जो कि डायरेक्शन जेड है, इट इज़ अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ प्लाज्मा। उसके बाद जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है वो यहाँ सेंटर में है, इट इज़ ग्रेडियंट ऑफ पी, तो बोल सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट हाईएस्ट एट सेंटर है, और जैसे जैसे हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इट्स वेक्टर इज़ पॉइंटिंग एट द सेंटर। तो अब हम लोगों को बेसिकली जो वेलोसिटी देखनी है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर विद द बी देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्पेशली वी एज वी परप, तो वेलोसिटी को सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उठाया, तो वी को वी परप के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया। तो और सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या लेते हैं कि फॉर सिंप्लिसिटी हम लोगों ने वी परप को अज्यूम किया एज वेरी स्लो एज कंपेयर टू साइक्लोट्रॉन मोशन, एज कंपेयर्ड टू साइक्लोट्रॉन मोशन, क्योंकि अब वी परप जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वी परप विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल है, तो उस केस में हम लोगों ने इसको ज़ीरो ले लिया कि वी परप वेरी स्लो नियरली इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और जो हमारी जो कनेक्टिव टर्म जो है वी परप बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो हम लोग इस इक्वेशन में वी परप है मल्टीप्लाइड बाय वी परप, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे, तो हम अगेन ले सकते हैं वी परप ग्रेडियंट अगेन इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ये दोनों आ गए, तो इसको भी हम लोग ज़ीरो बोल सकते हैं या इट कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज दीज आर वेरी वेरी स्मॉल। तो अभी नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये दोनों आ गए, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या हो जाएगी हमारी, सो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है दैट विल बी एम मल्टीप्लाइड बाय एन विद इन ब्रैकेट डेल वी परप अपॉन डेल टी प्लस वी परप ग्रेडियंट वी परप इट इज इक्वल्स टू एन क्यू ब्रैकेट ऑन ई प्लस वी परप क्रॉस बी ब्रैकेट ऑफ माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पी। तब यहाँ पर एज यूजल हम लोगों ने ये वाली टर्म ज़ीरो ली, तो दिस इज़ ज़ीरो, तो ये जो है कि ज़ीरो इज इक्वल्स टू एन क्यू विद इन ब्रैकेट ई प्लस वी परप क्रॉस बी
माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पी। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो और साथ में अब हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया दोनों साइड में। तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया। जब दोनों साइड हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन बनी जीरो इज इक्वल्स टू एन क्यू, जो है एन क्यू एज इट इज रह गया एन क्यू विद इन ब्रैकेट, एंड जो फर्स्ट टर्म है पहली वाली टर्म ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी प्लस वी पर्प क्रॉस बी क्रॉस बी ब्रैकेट ऑफ माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पी क्रॉस बी, ये इक्वेशन बची। अब हमारे पास ये जो टर्म है इस टर्म को हम लोगों ने एक, ये जो टर्म है एक वेक्टर आइडेंटिटी है, तो इस वेक्टर आइडेंटिटी में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वी पर्प डॉट बी मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ऑफ वी पर्प बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी पर्प क्रॉस बी क्रॉस बी। दिस इज वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी जो कि हम लोगों ने यूज़ की। तो इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास, सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास बचेगा ज़ीरो इज इक्वल्स टू एन क्यू ब्रैकेट में ई क्रॉस बी प्लस वी पर्प डॉट बी इंटू बी माइनस ऑफ वी पर्प बी स्क्वायर माइनस ऑफ करेंट बी क्रॉस बी। अब हमको ये पता है कि यहाँ पर हमारा जो वी पर्प और बी है दैट मीन्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो वी पर्प और पी है ये ज़ीरो, तो हमारी ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी पूरी की पूरी, तो हमारे पास सिर्फ ई क्रॉस बी साथ में वी पर्प बी स्क्वायर बचेगा। तो दिस इज इक्वल्स टू एन एन क्यू विद इन ब्रैकेट ई क्रॉस बी माइनस ऑफ वी पर्प बी स्क्वायर माइनस ऑफ ग्रेड बी क्रॉस बी, सिंस वी पर्प एंड बी आर परपेंडिकुलर, सॉरी देखने इट दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो ब्रैकेट है उसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो हमारे पास ये बचा इट इज़ इक्वल्स टू एन क्यू ब्रैकेट ऑन ई क्रॉस बी माइनस वी पर्प बी स्क्वायर माइनस ऑफ ग्रेड पी क्रॉस बी। तो दिस इज इक्वल्स टू एन क्यू ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी माइनस ऑफ एन क्यू वी पर्प बी स्क्वायर माइनस ऑफ ग्रेड पी क्रॉस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ तो ये बचेगा मेरा एन क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी पर्प बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन क्यू ई क्रॉस बी माइनस ऑफ ग्रेड पी क्रॉस बी। यहाँ से जो एन क्यू है वो डिवाइड हो गया तो ये वी पर्प बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई क्रॉस बी माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पी क्रॉस बी डिवाइडेड बाय एन क्यू, और बी स्क्वायर भी लेके गए तो ये बचा वी पर्प इज इक्वल्स टू ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पी क्रॉस बी डिवाइडेड बाय एन क्यू बी स्क्वायर। ये बचा हमारे पास
अब हम ये बोल सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट कंटेन्स, ये हमारे पास स्वीप अप क्या होगा, दैट इज वेलोसिटी कंपोनेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंटेन्स टू टर्म्स, कौन कौन सी, फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म। तो हम बोल सकते हैं कि वी पर्प इट इज इक्वल्स टू वी ई प्लस वी डी, जहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, वेयर वी ई इज इक्वल्स टू ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एंड वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पी क्रॉस बी डिवाइडेड बाई एन क्यू बी स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारे पास ई क्रॉस बी जो है, ई क्रॉस बी वाला जो टर्म है, दिस इज द नॉर्मल ड्रिफ्ट। एंड जो सेकेंड टर्म आ जाती है हमारे पास, ये जो सेकेंड टर्म है वी डी वाली, दिस इज डायमैग्नेटिक ड्रिफ्ट, इसको हम लोग डायमैग्नेटिक ड्रिफ्ट बोल सकते हैं। तो अब हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अल्टीमेटली रिजल्ट आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो ड्रिफ्ट आए, एक ड्रिफ्ट आया नॉर्मल ड्रिफ्ट एंड दूसरी डायमैग्नेटिक ड्रिफ्ट। और ये जो ड्रिफ्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो वेलोसिटी है, इसमें जो दो डिफरेंट टाइप के ड्रिफ्ट आएंगे, द फर्स्ट वन इज़ फॉर आयंस एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट है, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा प्लाज्मा जो है, जिसकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री थी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो था वो जेड डायरेक्शन में था एंड प्रेशर ग्रेडियंट सेंटर में मैक्सिमम था और मोशन इस डायरेक्शन में था। तो उसमें वी डी ई दैट इज ड्रिफ्ट फॉर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एंड ड्रिफ्ट फॉर आयंस, ये जो हो जाएगा, ये जो वाला टर्म्स हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा वी डी आई इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी डी एंड बी, वी डी एंड बी, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन, वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अज्यूमेबल डायरेक्शन में रनिंग द काउंटर क्लॉक वाइज इन दिस डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आयंस की बात करें, वो भी अज्यूमेबल डायरेक्शन में है बट इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। तो दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो ये था हमारा फ्लूइड ड्रिफ्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है फ्लूइड ड्रिफ्ट इन पैरेलल डायरेक्शन टू बी, इन पैरेलल डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम लोगों ने बी अज्यूम किया है यहाँ पर। तब अगेन हमारे पास अरेंजमेंट पूरा का पूरा प्लाज्मा का एज इट इज़ है। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है प्लाज्मा का, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, प्रेशर ग्रेडियंट सेंटर में है और वे इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इस डायरेक्शन में मोशन ऑफ पार्टिकल जो है पैरेलल डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कंसिडर किया हम लोगों ने जो मोशन ऑफ पार्टिकल जो है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन एंड आयन जो है वो दे आर, या मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज इन जेड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा की जो ड्रिफ्ट है दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड पी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी एम एन ब्रैकेट में डेल ऑफ, अभी जेड डायरेक्शन में, पहला वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, वो हम लोगों ने वी पर्प लिया था, अब यहाँ पर हम लोग वी जेड ले रहे हैं,
del t plus v grad of v z is equals to nq bracket on ez minus of gradient of p. अभी जो ग्रेडियंट है पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, दैट इज़ इन जेड डायरेक्शन. तो ये वाली जो टर्म है इस टर्म को हम लोग नॉर्मल केस में डेल पी बाय डेल जेड लिखते हैं, नहीं तो अब तक हम लोगों ने ग्रेडियंट ऑफ पी लिखा था, ग्रेड पी लिखा था. तो अब हम यहाँ पर इसको डेल पी बाय डेल जेड यूज़ करेंगे. अब अगेन हम लोगों ने वेलोसिटी कंसिडर की थी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि आयंस की बात कर रहे हैं. तो हम लोग अगेन ये वाली जो टर्म है इस टर्म को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वी डॉट वेलोसिटी कम है. तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी विल अगेन बी वेरी स्मॉल. एंड यहाँ वाली जो सेकेंड टर्म है ऑलरेडी हम लोग यहाँ निगलेक्ट कर चुके हैं, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन की. तो वो जो इक्वेशन की जो वैल्यू है वो आएगी प्लस साथ में अब हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना है इस वाली टर्म को. तो नाउ इवेल्युएटिंग डेल पी बाय डेल जेड बाय इक्वेशन ऑफ स्टेट, बाय इक्वेशन ऑफ स्टेट जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, आप लोगों को मालूम होगा. फॉर एन आइडियल एडियाबैटिक, फॉर एन आइडियल एडियाबैटिक एडियाबैटिक गैस. तो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल एडियाबैटिक गैस जो है दैट इज प्रेशर पी इज इक्वल्स टू सी एन रेस टू पार गामा. अब यहाँ पर जो है ऑलरेडी आपको पता है सी जो है सी इज एन कॉन्स्टेंट, फिर हमारे पास एन जो है दिस इज नंबर डेंसिटी, गामा जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम. ये है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो ये जो पी आया इसको हम लोगों ने डेल पी बाई डेल जेड किया, इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू जेड. तो ये बचेगा हमारे पास सी कॉन्स्टेंट है गामा एन रेस्ट पर गामा माइनस वन, अगेन डेल एन बाई डेल जेड पार्शियल डिफरेंशिएट किया. अब दोनों साइड में पी से डिवाइड किया. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी. तो डिवाइड किया तो ये हमारे पास बचा वन डिवाइडेड बाय पी डेल पी बाय डेल जेड इट इज़ इक्वल्स टू सी गामा एन रेस्ट पर गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय पी डेल एन बाय डेल जेड. अब यहाँ पर हम लोगों ने अगेन पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पर, तो बेटा सी गामा एन रेस्ट पर गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय सी एन रेस्ट पर गामा डेल एन बाय डेल जेड. दिस कैन बी रिटन एज सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एन रेस्ट पर गामा एंड एन रेस्ट पर गामा कैंसिल आउट हो जाएगा और एन रेस्ट पर माइनस वन जो है वो नीचे आ जाएगा. तो अल्टीमेटली ये लिख सकते हैं हम लोग गामा डिवाइडेड बाय एन डेल एन बाय डेल जेड. यहाँ तक आ गया. अब आइडियल गैस लॉ जो है उसका एक्सप्रेशन हमको मालूम है, तो द एक्सप्रेशन फॉर आइडियल गैस जो है दिस गिवन बाय पी इज इक्वल्स टू एन के बी टी. ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर फॉर आइडियल गैस. तो हम लोग लिख सकते हैं डेल पी बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल जेड
इज इक्वल्स टू, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में पी था वो राइट हैंड साइड में चला गया ऊपर, तो ये बचा एन के बी टी डिवाइडेड बाय एन था एंड डेल एन बाय डेल जेड, एन से एन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये बचा, तो अल्टीमेटली डेल पी बाय डेल जेड इज के बी टी डेल एन बाय डेल जेड बचा। अब ये जो इक्वेशन है, वैल्यू है डेल पी बाय डेल जेड की, ये हम लोगों ने अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन में सब्सटीट्यूट किया, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल पी बाय डेल जेड इन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा एम इंटू एन विद इन ब्रैकेट डेल ऑफ वी जेड डिवाइडेड बाय डेल टी प्लस सॉरी ये तो हम लोग ऑलरेडी ज़ीरो कर चुके हैं, लिख देते हैं फिलहाल, इट इज़ वी ग्रेड ऑफ वी जेड इज इक्वल्स टू क्यू एन ई जेड माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पी अपॉन सॉरी डेल पी बाई डेल जेड। अब ये जो वैल्यू सब्सटीट्यूट किया यहाँ पर, ये वाली जो टर्म है ज़ीरो है, तो हमारे पास बचा एम एन डेल ऑफ वी जेड अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू क्यू एन ई जेड माइनस ऑफ जो डेल पी बाई डेल जेड की वैल्यू है वो यहाँ सब्सटीट्यूट की, ये बचेगा के बी टी एंड डेल एन बाई डेल जेड सब्सटीट्यूट किया। अब एम एन है राइट हैंड साइड चला गया, तो हमारे पास बचा डेल ऑफ वी जेड अपॉन डेल टी इट इज़ इक्वल्स टू क्यू एन ई जेड डिवाइडेड बाई एम इन टू एन माइनस ऑफ के बी टी डिवाइडेड बाई एम एन डेल एन बाई डेल जेड, यहाँ से एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा दिस इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं डेल ऑफ वी जेड अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू ई जेड माइनस ऑफ सॉरी यहाँ पर एक चीज़ छूट गई, जो गामा शुड ऑल्सो बी देयर, तो जो डेल पी जेड बाई ए है यहाँ पर गामा की वैल्यू छूट गई है, ये गामा शुड ऑल्सो बी देयर, तो यहाँ पर सब गामा के बी टी गामा के बी टी दिस इज गामा ऑफ के बी इंटू टी डिवाइडेड बाई एम इंटू एन डेल एन बाई डेल जेड। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर जो वी जेड जो है ड्रिफ्ट जो है वो बहुत स्लो है, ये जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो स्लो है, तो डेल ऑफ वी जेड बाई डेल टी जो है इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इन एब्सेंस ऑफ ड्रिफ्ट जो है हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बचेगी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्यू डिवाइडेड बाई एम ई जेड इज इक्वल्स टू गामा के बी टी डिवाइडेड बाई एम एन डेल एन बाई डेल जेड। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को फिलहाल यहीं पर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि जो इस इक्वेशन को उठाया और फिलहाल ये इक्वेशन एज इट इज़ लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय E इज इक्वल्स टू जो कि Z डायरेक्शन में है डेल फाई बाई डेल Z, तो हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाई किया Q ई जेड विल बी इक्वल्स टू Q इज द चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिया, आयन है तो आयनिक चार्ज होगा, दैट इज डेल फाई बाई डेल Z, जहाँ पर फाई क्या है हमारे पास इट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोगों ने क्यू जेड को इक्वेशन नंबर क्यू ई जेड इसको हम लोगों ने क्यू ई जेड यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया, जब इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन हमारे पास ये बचेगा कि ये हुआ ई इट इज ई
del phi by del z e del phi by del z divided by m tha, this is equals to kb t divided by mn kb t divided by m into n del n by del z. अब यहाँ पर गामा कहाँ गया, तो हम बोल सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी हम लोगों ने फुली आयनाइज्ड प्लाज्मा के लिए गामा इज इक्वल्स टू वन ले लिया. दोनों स्पेसिफिक हीट वॉल्यूम का जो रेशो है इट इज़ इक्वल्स टू वन. और यहाँ पर जो m है, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो एट लास्ट इक्वेशन जो बचेगी e del phi by del z it is equals to kb t divided by n del n by del z. अब क्या किया, दोनों साइड में इंटीग्रेट किया. नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड में इंटीग्रेट किया, तो डेल फाई बाई डेल जेड है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फाइव बचेगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ई फाई इज इक्वल्स टू इस, क्योंकि के बी टी डिवाइडेड बाई एन ये सारी की सारी कॉन्स्टेंट है, डेल एन बाई डेल जेड का इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो ये बचेगा के बी टी डिवाइडेड बाई एन एज इट इज रहेगा, और जो एन है दैट विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ एन, ये अच्छेगा प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा. अब यहाँ पर इन टर्म्स को रीअरेंज किया हम लोगों ने, रीअरेंजिंग द टर्म्स है लॉग ऑफ बेस ई आएगा सॉरी, तो इनको रीअरेंज किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा एन इज इक्वल्स टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ ई फाई डिवाइडेड बाय के बी टी ये बचा. अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखो, ये क्या कह सकते हैं, दिस इज़ द बोल्ट्जमैन रिलेशन, ये जो है दिस इज़ द बोल्ट्जमैन रिलेशन, ये हमारे पास पूरा का पूरा है बोल्ट्जमैन रिलेशन. इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है दे आर लाइटर इन वेट एंड दे आर मोबाइल. इलेक्ट्रॉन जो है दीज आर लाइटर इन वेट. अब वेट में लाइटर है तो मोबाइल होंगे और हाई एनर्जीज के तरफ एक्सेलरेट होंगे और क्विकली एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे, तो देर इज़ अ नेट फोर्स ऑन देम, उनके ऊपर फोर्स लगेगा. और जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो आयन चार्ज छोड़ते हैं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड प्रेशर ग्रेडियंट है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो जो है बैलेंस रहेगा हमेशा के हमेशा. ठीक है, तो ये था हमारा फ्लूइड ड्रिफ्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड.